दोस्तों आज हमारे पास है क्रॉसबिट्स की तरफ से आने वाले उनके प्रीमियम TWS क्रॉसबिट्स ओपेरा। ये आज ही लॉन्च हुए हैं, इनकी प्राइस 3000 रुपए के करीब होने वाली है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसका डिटेल रिव्यू, देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलता है, उसी के साथ इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैसे मुझे ये 2 दिन पहले ही मिल गए थे, तो पिछले 2 दिनों से मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। उसी के साथ इसकी माइक टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, म्यूजिक, बेस वगैरह डिटेल में कवर करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है क्रॉसबिट्स ओपेरा का बॉक्स, बिना टाइम वेस्ट किए इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वेलकम कार्ड और वारंटी कार्ड मिलता है, तो इस कोड को स्कैन करके आप इसकी वारंटी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही 3 मंथ्स का गाना ऐप का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा इस QR कोड को स्कैन करके आप इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको इसे यूज करने के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद हमें मिलती है इसकी केस और यहीं पर बाहर हमें TWS भी देखने मिलता है, तो फिलहाल इन्हें साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्सेसरीज का बॉक्स मिलता है, जिसमें आपको एक टाइप सी चार्जिंग केबल और 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिलते हैं, जिन्हें आप अपने ईयर के साइज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये सारा बॉक्स कंटेंट हमें इसके साथ देखने मिलता है। तो ये है क्रॉसबिट्स ओपेरा वायरलेस ईयरबड्स। अगर बात करें इसके फर्स्ट इंप्रेशंस की, तो ये सच में प्रीमियम लगते हैं। इसकी डिजाइन भी काफी यूनिक और स्टाइलिश है, इस पर फिनिशिंग भी काफी बढ़िया दी गई है, तो ओवरऑल लुक एंड फील में मुझे काफी प्रीमियम लगे। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। फ्रंट की तरफ क्रॉसबिट्स की ब्रांडिंग दी गई है, उसी के साथ यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं और नीचे की तरफ एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ सॉफ्ट वेलवेट फिनिशिंग दी गई है, जो हाथ में काफी स्मूथ फील होता है। इसके अलावा इसके लीड के मैग्नेट भी काफी स्ट्रांग है, उसी के साथ लीड के हिंजेस भी प्रॉपरली फिट है, कहीं से भी लूज नहीं लगते। एक बार इसका वेट भी चेक कर लेते हैं, तो ये करीब 45 ग्राम्स के हैं, तो काफी लाइटवेट और कॉम्पैक्ट है। इसे आप पॉकेट वगैरह में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईयरबड्स की, तो ये भी यूनिक और प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं। इन पर भी आपको सेमी सॉफ्ट फिनिशिंग मिलती है, जो केस पर दी गई है। ये हाफ स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले TWS है, जो लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मुझे काफी सही लगे। एक बार इनका भी वेट चेक कर लेते हैं, तो ये सिर्फ 4 ग्राम्स के हैं, तो कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं। वैसे आप इन्हें रनिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, ये आसानी से गिरते नहीं। इसके अलावा इसमें IPX6 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग आती है, तो नॉर्मल बारिश या फिर पानी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी सही लगी। एक बार इसके सभी फीचर्स को भी देख लेते हैं, तो इसमें 13mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, ऑटो पेयरिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, IPX6 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, फुल टच कंट्रोल्स और वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं। सिंगल चार्ज में इसमें आपको 5 to 6 hours का प्लेबैक टाइम मिलेगा और ओवरऑल केस के साथ 60 hours की शानदार बैटरी बैकअप भी मिलती है। डेली अगर आप 5-6 घंटे भी इसे यूज करते हो, तो आसानी से 8-10 दिन की बैटरी बैकअप आपको इससे मिल जाएगी। वैसे इसमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी दिया गया है, तो एक बार इसकी गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं, देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे मिलती है और इसकी लेटेंसी को भी चेक करते हैं। इसका गेमिंग मोड ऑन करने के लिए राइट साइड के ईयरबड्स को 4 बार टैप करते हो, तो इसका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है। वैसे इसके सभी टच कंट्रोल्स को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं इसे फ्री फायर के साथ टेस्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा इसमें एक्चुअल लेटेंसी कितनी मिलती है। तो लेटेंसी भी ठीक ठाक मिलती है, उतनी नहीं मिलती जितनी एक गेमिंग TWS में होती है। नॉर्मल गेमिंग के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रोफेशनल गेमिंग के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते, उसके लिए इसकी लेटेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा है। इसके अलावा इसका लेफ्ट एंड राइट का सेपरेशन मुझे काफी बढ़िया लगा, एग्जैक्ट साउंड किस डायरेक्शन से आती है वो आपको पता चल जाता है, तो ओवरऑल नॉर्मल गेमिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की, तो इसमें 13mm के साउंड ड्राइवर्स आते हैं। इसमें आपको लाउड म्यूजिक सुनने मिलेगा, इसकी लाउडनेस मुझे काफी ज्यादा लगी, फुल वॉल्यूम पर भी साउंड डिस्टॉर्शन नहीं होती। इसके अलावा इसके ट्रबल्स और वोकल्स की क्लैरिटी मुझे ठीक ठाक लगी, हालांकि थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन बेस के मामले में सच में जबरदस्त एक्सपीरियंस देते हैं। बड़े साउंड ड्राइवर्स होने की वजह से डीप और रिच बेस सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स के साथ सुनाई देता है। अगर आप एक बेस लवर हो, तो ये आपके लिए सही रहेंगे। तो मैं कहूंगा ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी इसमें आपको डिसेंट मिलती है। अब हम इसकी इंडोर कंडीशन में माइक टेस्ट करते हैं। वैसे इसमें आपको AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट दिया गया है, तो जल्दी से इसकी माइक टेस्ट भी कर लेते हैं। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो, मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें किस लेवल की नॉइज़ आती है। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो, क्रॉसबिट्स ओपेरा के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। सेम मेरे रूम का फ़ैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो आप सुन सकते हैं कि किस लेवल की नॉइज़ ये रिड्यूस करता है। तो मुझे इसकी माइक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी, ऑलमोस्ट 70-80% नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है। आउटडोर्स में भी आपको सेम ही आउटपुट मिलता है, थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है, लेकिन आपकी वॉइस क्लियरली रिकॉर्ड होती है और सामने वाले को क्लियरली सुनाई देती है।
इसके अलावा इसमें आपको फुल टच कंट्रोल्स मिलते हैं, तो एक बार इसके टच कंट्रोल्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों ईयरबड्स को 8 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके रखते हो तो ये पावर ऑन हो जाते हैं। वैसे ही दोनों ईयरबड्स को 10 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके रखते हो तो ये पावर ऑफ भी हो जाते हैं। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट में से किसी पर भी सिंगल टैप करते हो तो कॉल को पिकअप एंड म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, और कॉल को रिजेक्ट करने के लिए आपको इनमें से एक पर 3 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करना पड़ता है। इसके अलावा दोनों में से किसी पर भी 3 बार टैप करते हो तो इसका वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। उसी के साथ राइट साइड के ईयरबड को डबल टैप करते हो तो म्यूजिक को नेक्स्ट कर सकते हो, वैसे ही लेफ्ट साइड पर डबल टैप करते हो तो म्यूजिक को प्रीवियस कर सकते हो। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए राइट साइड वाले ईयरबड्स को टच एंड होल्ड करना पड़ता है, वैसे ही लेफ्ट साइड वाले ईयरबड्स को टच एंड होल्ड करके रखते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज भी हो जाता है। तो ओवरऑल एक डिसेंट TWS है जो स्टाइलिश और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और हेवी बेस के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। वैसे अगर इस प्राइस में एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और बेस क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी, तो अंडर 3000 रुपीज़ में आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे लेटेस्ट क्रॉसबीट्स ओपेरा वायरलेस TWS। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।